जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त नसीर साहब मौजूद हैं जो सड़े मार के रहायशी हैं। इन्होंने थाना तरनौल में एक एप्लीकेशन दी थी मनसूबदार ASI साहब को, तो उस हवाले से इन भाई का क्या कहना है कि भाई आपने एप्लीकेशन किस हवाले से दी थी थाना तरनौल में? जी सर, मैंने दरख्वास्त इसलिए दी थी, मेरी बीवी गुमशुदा है, तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने अब ख़ुद भी ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली है, लेकिन फिर दरख्वास्त दी है मैं थाना तरनौल में, तो उसके बाद जो है ना। अच्छा, आपने दरख्वास्त दी है, तो दरख्वास्त पे जब आप वहाँ पे गए हो तो आपने वहाँ पे क्या बयान कलम बंद करवाए थे कि आपकी बीवी कैसे गई है? जी, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने फिर बताया, मैंने बोला सर मैं गाड़ी से वापस आया हूँ, तो डंपर के साथ होता हूँ, 24 घंटे लगाता हूँ, फिर वापस आया हूँ, सो रहा था तो पीछे से बीवी मेरी चली गई है। फिर मैंने ससुराल में भी बहुत रबता शबता किया लेकिन उन्होंने मुझे कोई अता पता नहीं दिया। फिर बाद में मुझे थोड़ी सी एप्लीकेशन उन्होंने दिया, नंबर मुझे उनसे मिला है, तो उसके बाद जो है ना नंबर, जिस दिन मैंने दरख्वास्त दी है उस दिन नंबर ऑन हुआ था, मुड़ के नंबर बंद है, तो मुझे उसके बाद ना कोई अता पता मुझे मिल रहा है सर, तो ना कोई अब थाना तरनौल आपके साथ तावन कर रहा है या नहीं? सर नहीं कर रहे जी। तो आपने IG साहब से क्या कहना चाहते हो आप? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी मेहरबानी हो सकती है सर, मेरे ये बीवी वाला मसला हल हो जाए। और जो थाना तरनौल के ASI मनसूबदार साहब हैं, उनका रवैया आपके साथ कैसा था ये भी बता दें। सर मैं जब दरख्वास्त लेकर गया हूँ, उन्होंने पहले सर मेरे साथ बदतमीजी की है, क्या कहते हैं आपको? वो कहते हैं ए आज इतना टाइम हो गया, हमारे मथे पे फुदू लिखा हुआ है कि हम तुम्हारी दरख्वास्त रखें, या ऐसे मतलब थोड़ी सी बातें उल्टी पुल्टी की हैं मेरे साथ वो। तो मनसूबदार साहब का कहना है कि ये नसीर साहब खुद जाके अपनी बीवी को छोड़ के आए हैं और उसके बाद उनकी बीवी गायब है, ये इनका अपना कुछ घरेलू झगड़ा है उस वजह से, क्या ये सच है? नहीं सर, ये मैंने नहीं कहा है सर, आप मैंने ये कहा है कि बीवी घर से गई है, ये मुझे नहीं पता है खुशी से गई है या दूसरी तरफ से गई है, लेकिन घर से जब गई है तो उसके बाद से मुझे नहीं पता है ये कि कितने गई दिन है हो गए आपकी बीवी आपको नहीं मिल रही है? जी। ये 3रे महीने की 13 तारीख से जी। 3रे महीने की 13 तारीख हो, आज कितना कितना अर्सा गुजर चुका है? जी आज वो 4थे महीने की 9 तारीख जा रही है सर ठीक है, जी। ओके। सर मैंने बहुत कोशिश की है ढूंढने की खुद भी, लेकिन नहीं कोई मालूमात हो सकी, लेकिन इसलिए मैंने आप आके दरख्वास्त दी है, ठीक, तो इसका कोई अमल नहीं हो रहा है, कोई ना आता पता मुझे चल रहा है सर। मेहरबानी करें, कुछ मसला हल करें, कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मजदूर कार बंदा हूँ, तो कोई समझ नहीं आ रही है, छोटे छोटे बच्चे बहुत जलील हो रहे हैं।